हेलो एवरीबॉडी। तो नवोदय में जाने की इच्छा रखने वाले मेरे सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। मैं सौमित कुमार उपाध्याय JNV, मैं आज आपको बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय में जो हमारे टीचर्स होते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं और कब उनको छुट्टी मिलती है या फिर कब वो छुट्टी ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं। यह चैनल किसी भी प्रकार से नवोदय विद्यालय समिति से किसी भी प्रकार का ताल्लुक नहीं रखता है। यहाँ पर बताई हुई सभी जानकारियाँ नेट या फिर पब्लिक सोर्स से इकट्ठा की हुई हैं। किसी भी जानकारी की 100% सत्यता के लिए हमारा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो सभी टीचर्स का बहुत बहुत स्वागत है माँ शारदा कोचिंग नवोदय एडवाइज़र चैनल में। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे नवोदय में मिलने वाली सुविधाओं की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ड्यूटीज़ की और अंत में हम लोग बात करेंगे मिलने वाली छुट्टियों की। देखिए, आप नवोदय विद्यालय में जाने का एक सपना मन में सजाकर दिन और रात मेहनत करते हैं और एक कठिन परीक्षा व इंटरव्यू को फेस करने के बाद आप नवोदय विद्यालय में जाते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी समस्या जो सबसे पहले आती है वो है कि आपको रहना वहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम सुविधाओं में उसी की बात करेंगे कि आपको सबसे पहले आपका जो क्वार्टर होता है, जो आपका हाउस होता है, वो आपको दिया जाता है जिसमें दो बेडरूम, एक बालकनी और एक बरांडा और किचन आपका होता है और बाथरूम। उसके बाद जो आपको उसका जो पानी की फैसिलिटी होती है वो आपको 24 आवर आपकी पानी की फैसिलिटी होती है, आपको बाथरूम का या फिर आपको पीने वाला पानी आपको 24 आवर मिलता है। खाना आप जो बच्चों का मैस होता है वहाँ आप खा सकते हैं। उसके बाद आपका जो लाइट है वो आपको वो भी मिलती है। बात करते हैं इनका चार्ज कितना होता है। तो हाउस साइट के अनुसार आपको फ्री हाउसिंग सुविधा दी जाती है। आपका जो खाने का कोई खर्चा नहीं होता है, आपका पानी आपका कोई खर्चा नहीं होता है, फ्री होता है। आपको लाइट का आपको बिल देना पड़ता है 200 पर मंथ जो एसी नहीं चलाते हैं, और एसी वालों को 1000 पर मंथ आपको लाइट का पे करना पड़ता है। इसके ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट में आपका इतना है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे ड्यूटीज़ की। तो आपको जो ड्यूटीज़ में सबसे पहले आपकी जो ड्यूटी आती है वो आपकी एकेडमिक की आती है, उसके बाद आपकी बोर्डिंग की आती है, मतलब आपको रिमेडियल और सुपरवाइज दो क्लासेस होती हैं उनको लेना होता है। उसके बाद आपकी ड्यूटी होती है आपको हाउस मास्टर की, और उसके बाद आपकी जो एक ड्यूटी होती है वो होती है MOD। डिटेल में तीनों के बारे में, चारों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एकेडमिक में आपकी जो ड्यूटी होती है वो आपको सुबह 8 से आपकी 1:30 बजे तक, 1:30 तक आपकी वो ड्यूटी होती है जो आपको कंपलसरी होती है, जहां आपको जाना ही है। उसके बाद जो आपकी रेमेडियल और सुपरवाइज जो आपकी ड्यूटी होती है वो आपकी फ्री होती है, वो आपको बच्चों को एज अ रूल आपको वो फ्री देनी है, मतलब एज अ ट्यूशन, तो आप उसकी कोई फीस नहीं लेंगे, जिसमें आपको पूरे हफ्ते आपकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। उसमें आपको डे दे दिए जाते हैं कि इसने इस दिन आपको इस क्लास को देखना है, इस दिन आपको इस क्लास को देखना है,
तो आपका पूरे सप्ताह में आपकी 3 या 4 ड्यूटी आपकी वो होती हैं, उसके बाद आपकी सुपरवाइज की ड्यूटी जो आपको बिल्कुल गेम्स के बाद की होती है, वहाँ पे भी बच्चे क्लास बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ आपको सिंपल बैठना होता है, वो आपकी ड्यूटी। आपके वीक में 1 लग जाओ या 2 लग जाओ, इससे ज़्यादा नहीं लगती हैं। उसके बाद आपकी जो सबसे बड़ी ड्यूटी आती है वो आती है हाउस मास्टर की। इसका आपको क्या होता है कि आपको किसी भी एक हाउस, क्योंकि नवोदय विद्यालय एक हॉस्टल वाले विद्यालय होते हैं, तो वहाँ आपको एक कोई भी हॉस्टल आपको जिम्मेदारी पे दे दिया जाता है, तो आपको वहाँ पे आपको उसका अलाउंस मिलता है, आपको 800 रुपये पर मंथ आपको उसका मतलब कि पे मिलता है। उसमें आपको करना क्या है ये मैं आपको बता दूं। जो बच्चे होते हैं नवोदय विद्यालय में 4 हाउसों में बटे हुए होते हैं, अरावली, नीलगिरी, शिवालिक, उदयगिरी, आपको किसी भी एक हाउस की ड्यूटी दे दी जाती है, जिसमें यह होता है कि आपको उस हाउस की आपको प्रॉपर जिम्मेदारी रखनी है। मतलब बच्चा छुट्टी जा रहा है, कब जा रहा है, उसको आपको रिकॉर्ड प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल को देना होता है। उसके बाद आपको उसकी शाम को अटेंडेंस, मतलब बच्चा पूरे एकेडमिक 24 घंटे स्कूल में है या नहीं, ये आपको अपने हाउस कैप्टन के थ्रू, जो आप कैप्टन बनाते हैं उसके थ्रू आपको पता होना चाहिए। शाम को आपकी अटेंडेंस होती है, वहाँ आपको उनकी अटेंडेंस लेने जाना होता है। रात को खाना खाने के बाद बच्चों की अटेंडेंस श्योर करने के लिए आपको वहाँ जाना होता है। इसको यदि आप एक्स्ट्रा ड्यूटी कहें तो ये ड्यूटी नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा नवोदय विद्यालय में घर छोड़ के आया हुआ होता है, तो यदि आप वहाँ एज आ उसके पेरेंट्स आप यदि उसको ट्रीट करते हैं तो वो कोई ड्यूटी नहीं है। उसके बाद लास्ट इसमें ड्यूटी आती है, वो होती है MOD, ये होता है मास्टर ऑफ ड्यूटी। ये महीने में एक दिन आती है जब सभी टीचर सर्कुलेट हो जाते हैं, क्योंकि हर एक टीचर पे एक दिन होती है। इसका मतलब होता है कि आपको उस दिन नवोदय की पूरी जिम्मेदारी आपकी है, मतलब आपको प्रिंसिपल के बाद आप उसकी जिम्मेदार हैं। उसमें आपको टोटल वहाँ की अटेंडेंस, वहाँ का खाना आप सब उस दिन देखेंगे, ये आपकी एक और ड्यूटी होती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं छुट्टी की। तो नवोदय विद्यालय में कहा जाता है कि टीचर्स को छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन एक महीने में आपको 4 छुट्टियाँ दी जाती हैं। आप उनका यूज़ कभी भी कर सकते हैं, इमरजेंसी में या इमरजेंसी में नहीं, आप जैसे भी यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो म्यूजिक टीचर, PT टीचर या इसके अलावा और जो टीचर्स होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ केवल इतनी होती है, या सभी की मैं कह दूँ, एक स्पेशल उन्हीं की नहीं, कि कभी भी आपको नवोदय से बाहर किसी भी बच्चे को, आपका या कोई भी आपके हाउस का बच्चा है या कोई भी बच्चा है, यदि उसको कोई बीमार होता है या उसको आपको मतलब कि गाड़ी के साथ नवोदय की आपको उसको हॉस्पिटल तक ले जाना होगा। उसके अलावा यदि कोई नवोदय में फंक्शन होता है तो वहाँ के लिए जो अरेंजमेंट है वो आपको कराने में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। इसके अलावा आपको कहीं भी कोई बच्चे का गेम्स, आपको कहीं जा रहा है, उसका क्लस्टर जा रहा है, तो वहाँ आपको बच्चे के साथ जाना होगा। स्काउट मास्टर भी आपको बनाया जा सकता है, वहाँ भी आपको बच्चे के साथ टूर पर जाना होगा। उसके अलावा और नवोदय विद्यालय में ड्यूटी नहीं है, केवल बच्चे को आपको पूरे 24 घंटे आपको देखना है। बच्चा यदि रात को 12 बजे भी यदि कोई उसको दिक्कत होती है, एज ए ह्यूमन ये देखना कि बच्चा आपके पास यदि पहुँचता है तो उसको देखना, केयर करना, एज ए ह्यूमन ये कोई ड्यूटी नहीं है, इसे आप ड्यूटी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ बच्चे के आप ही पेरेंट्स हैं, आप ही उसका सब कुछ हैं। तो आप यदि चैनल से खुश हुए तो आप जो भी आपको सब्सक्राइब या लाइक करना है कर सकते हैं,
और इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना है आप कमेंट में कर सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो फिर लेकर आएंगे। तो धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।